अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज सुबह सुबह देखिए मेरी गाइस, मेरी बेटी जो है ना आज सुबह सुबह पराठा बना रही है। कितने पराठे बनाएंगी आप? चार चार बनाएंगी, तीन पेड़े हैं लेकिन बनाएंगी चार, है ना भाई? इधर ऊपर देखें। चलो हो गई, हो रही है, बस जल्दी करो। चलो ठीक है, चलो बस बन गया, बन गया, बन गया ना? हाँ बन गया, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया भाई गाइस, मोटा मोटा हो रहा है, मोटा मोटा हो रहा है, बस बन गया, बन गया, बन बन गया। नहीं, बस बस होने वाला। तो आप ऊपर कैसे डालोगी? ऊपर तो मैं ही बनाऊंगी ना। शक्ल दिखाओ हुरिया। वही हुरिया पराठा बना रही है। अरे पराठे की ऐसी की तैसी कर दोगे आप। चलो वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार तुम्हारे लिए। देखें गाइस, पूरिया माशाल्लाह सुबह सुबह नमाज भी पढ़ी है और खुद ही पढ़नी है, दुपट्टा मेरे से बनवाया इन्होंने, इतनी प्यारी बेटी है। आई नमाज छोड़ दी आपने बीच में से, दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, ये देख। चलो जल्दी कर लो, अब दुआ मांग लेना, ठीक है? देखें भाई गाइस, ये हमारी बच्ची ने बनाया नाश्ता। उरिया ने पराठे बनाए, मम्मा ने अंडे बनाए और चाय बनाई है मम्मा ने, है ना? है उरिया, बताओ ना। और देख ले गाइस, अपने आप को छुपा रहे, शर्म आ रही है। बोलता ये दोनों तो मोबाइल में रखे रहते हैं, अब जब से छुट्टी हुई है ना बस अब मोबाइल की ऐसी की तैसी है। इंदु, इंदु है गाइस, ये नाक में उंगली डालना, मजाक कर रही हूँ। लाई लाई लाई, चलें ठीक है गाइस। भाई देखें हमारी बच्ची को, देख लो मजे लगे, कितनी प्यारी नाश्ता बनाया भाई, है ना? ये देखें गाइस हमारी सबा इब्राहिम है, ये इधर देखो सबा इब्राहिम। 8 hours later. मानेंगे नहीं अबू बकर, ये क्या लिया है? ये किस तरह से लेके आए हो? गाइस आज हम मैकडोनल्ड पे आए हैं और यहाँ हम खाना खाएंगे। जी क्या हुआ? सफाई नहीं करो पेट से, क्या हो गया आप लोगों को? चलो तुम लोग शुरू करो, खाओ, मैं देखती हूँ फिर क्या खाओगी। ये मैकडोनल्ड का बर्गर गाइस देखें, और ये देखें कितना थर्ड क्लास, और क्या बताऊँ मैं कि हमारे तो पैसे ज़ाया हो गए 2500 रुपये। ये चिप्स देखें आप, ये चुन्नी चुन्नी सी चिप्स है, इससे ज़्यादा बड़ी तो भाई मैं ही अपने घर में बना लेती हूँ। और यकीन माने इतना बड़ा ब्रांड है ये, ठीक है कि लोग इसको बहुत नाम से जानते हैं और इसी वजह से लोग खाते होंगे, लेकिन मेरा मशवरा यही है बहन भाइयों, नहीं खाओ, अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि ये घी में बना रहे हैं टोटली। इसमें घी की इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मुझसे खाया नहीं जा रहा था, बाखुदा आप यकीन नहीं करेंगे,
मुझे याद नहीं है कि मैंने इसका बर्गर कभी खाया होगा। मैंने नहीं खाया, मैंने सिर्फ आइसक्रीम खाई है इसके ना। और ये सिर्फ चिकन है, इसमें कुछ और भी मिला हुआ है। और जो है ना ये नेगेट्स वाली जो नहीं होती है वो है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसमें कुछ पता नहीं क्या स्मेल टाइप की, इतनी गंदी सी ही आ रही है। बहुत बड़े रेस्टोरेंट खुले हुए हैं बाहर के मुल्कों में, लेकिन माने इसमें इतनी गंदी सी स्मेल आ रही है। और कोल्ड ड्रिंक का तो आप यकीन नहीं करेंगे कि पानी में सोडा मिला के दे दिया। मैं तो अब कभी भी नहीं जाऊंगी, मैं इधर फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम गई थी, क्योंकि हमारे एरिया में इतना अच्छा माशाल्लाह जहाँ बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं वहाँ पर फूड की ना, हमारे इधर भी नीचे भी बहुत ज़्यादा अच्छी। तो हमें पिज़्ज़ा ट्रैक वगैरह गई हूँ, वहाँ का बर्गर खाया है मैंने, पिज़्ज़ा पाइपर का खाया है, वो खैर अब बंद हो गया। और है ना इसके अलावा जो है मैंने पिज़्ज़ा हट वगैरह का खाया है। और लेकिन जो है ना ये तो बहुत अच्छा नहीं है, थर्ड क्लास है ये मैकडोनल्ड का। और बच्चों को भी उल्टी आ गई। हाँ भाई कैसा लगा? गंदा लगा, बच्चों को भी पसंद नहीं आया। हाँ नहीं वो भी गंदे से हो रहे थे, नेगेट्स भी गंदे से हो रहे थे। और दूसरी बात ये केएफसी जो है ना, केएफसी वो थोड़ा बहुत सही है इसके मुकाबले में। वहाँ तो मैं आज खुद नहीं गई थी, क्योंकि पिछली दफ़ा वो भी मुझे कुछ ऐसे ही लगा था कि खाने के बाद चिकना ही बस। ठीक है गाइस, तो चले आए भाई, आज हमने ग्रोसरी लिए। आज मेरा बेटा देखें, ये देखें आज 3:15 बज रहे हैं रात के, मेरा बेटा मेरे साथ जाग रहा है। क्या लेने पड़ी? दो ट्रॉली हैं। और चलें आप दिखाते हैं ये हम सामान लेके आए हैं, तो हम खुद ही ओपनिंग कर लेंगे क्योंकि ये लोग तो सो रहे हैं। मैंने बोला हैदर अली आप मेरे साथ हेल्प करवाना थोड़ी सी। तो गाइस ये हमने सामान लिया है, और ये तो खैर बच्चों की, मेरी भी है इसमें चीज़ें और जो मुझे समझ में आए। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे दराज से बहुत फ़ायदा होता था, दराज वाले बहुत सस्ता देते थे, अब उन्होंने महंगा कर दिया। मुझे तकरीबन 1700 रुपये का पड़ा है 3 किलो का, और मुझे ये 3 महीने से ज़्यादा चलाना है जो भी कुछ है। और ये बाकी सामान है, अब हम ये सारी ग्रोसरी रख देंगे, और जो केचप वगैरह जो भी चीज़ थी वो मैंने फ्रिज में रख दी। बाकी ये जो है नहीं आए थे चोको, बच्चों के बच्चे ये शौक से खाते हैं, तो इसलिए जो है मैंने ये ले लिए है ना भाई। हैदर अली मेरी हेल्प करवाएंगे इन सब चीज़ों में। अच्छा एक और चीज़ हैदर अली, इसमें ट्रे, उन्होंने कहा था आंटी ने कि ना इसमें ट्रे है। अच्छा कुकिंग आई ले ये, तो हमने बोला चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि चेक करते हैं। हमने इसे ओपन तो कर लिया है, तो कहाँ है भाई ट्रे? एक ही भाई ये दिया है प्योर। ठीक है चलें, अब ये भी क्यों कोई लाइन हम इस्तेमाल करके देखते हैं। वैसे हमने जो भी इस्तेमाल करें वो भी अच्छे करें, शारजा भी किया है, मीज़ान भी किया है, और तल्लो भी करा है। और जो है असल ऑयल है ना वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो बिकता नहीं है यहाँ पर, तो हम जो है ना दराज से मंगाते हैं अक्सर वो ऑयल, लेकिन वो महंगा हो गया दराज पे भी। चलें ट्रे तो फ्री आ ही गई, लेकिन ऑयल भी अच्छा है, ऐसे ही नहीं है गाइस। ये देखें ये तो प्योर, तो आप जानते ही होंगे प्योर। और ये कम रेट में है, मतलब दूसरे रेटों के मुकाबले में कम रेट में है, और हम किसान वगैरह इस्तेमाल करते हैं किसान ऑयल। जी जी, और बाकी ये सामान है, इसमें चीनी वगैरह है, और माशाल्लाह बोलेंगा इस। बस ये सब हो गया है तकरीबन जो है। अब ये हैदर अली मेरी हेल्प करवाएंगे ये सब रखवाने में, हैदर अली को बस इन चीज़ों की फिक्र है। और पत्ती मैंने इस दफ़ा यही लेती हूँ, लेकिन थोड़ी सी दूसरी भी ले ली है मैंने थोड़ा ना, बस यही हो गया जी। मैदा है बेटा रख दें चलें। और सॉफ्टनर में कम्फर्ट वालों का इस्तेमाल करती हूँ, और ये मैं बात पहले से 2 पैकेट रखे हुए थे, तो मैंने बोला चला इस दफ़ा एक ही सही है। थोड़ा सा खर्चा कम, लेकिन खर्चा कम करने की कोशिश तो करें, लेकिन वही ये पप्पू अपने नहीं लाए सन ब्लॉक। और बस और बाकी इसमें चीनी वगैरह जो होते हैं, चावल वगैरह, चावल कहाँ हैं? 5 किलो चावल थे ना, चलो सही है। इसमें ना 20 रुपये की बचत आ गई। अक्सर मैं ये दाल वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। और बच्चों की मैक्रोनी वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ, मसाला नहीं करती, मसाले में बहुत मिर्चें होती हैं, तो इसमें बचत आ गई थी। तो मैंने बोला भाई ये मुझे दे दो पैकेट, वरना वो खोल के रख रहे थे। जी बोलें, ये ली मैक्रोनी गाइस। हाँ ये तो हमारी एक ही दिन की है बस। तो ठीक है गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और प्लीज़ वीडियो वॉच करें। ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इन नेमतों से नवाजा है। और मुझे शौक है व्लॉग बनाने का, मैं एक फैमिली की तरह बनाती हूँ, कोई मुझे
पैसों वगैरह से इन चीज़ों से साहूकार नहीं है। हाँ अगर मेरी मेहनत हुई तो आगे देख लेंगे, लेकिन बस मैं वैसे ही बनाती हूँ व्लॉग ना, अल्लाह का दिया सब कुछ है कि अल्लाह नहीं करे कि मुझे इसी से कोई आसरा हो कि मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ, लेकिन बाखुदा मैं जो है ना अल्लाह का करम है बहुत, अल्लाह ने हम पे करम करा हुआ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गाइस मैसे भी मिलते हैं ना वीडियो बना बता। खत्म, बाय बाय। बहुत बदतमीज हो ये, मैं मम्मा कोई और बात कर रही, तुमने बीच में ये क्या बात कर दी। चलें अब खत्म करें।